हम इस एलएसएफ को एक अलग ही तरीके से लेते हैं पहले समझने के लिए। सपोज हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, तो हम प्रिंट ऑफ करते हैं, यूजर से ले लेते हैं वो नंबर, इंटर नंबर, कोई भी एक नंबर, ठीक है, ताकि एलएसएफ वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाए। स्कैन ऐप हम ये स्कैन करते हैं, यूजर से लेते हैं। तो हमने एक नंबर, कोई भी नंबर यूजर ने एंटर किया, यूजर ने कोई भी एक नंबर जो है एंटर किया, हमें पता नहीं है कौन सा नंबर एंटर कर रहा है यूजर, ठीक है। हमें ये देखना है, सपोज हमें ये देखना है, हम बोल रहे हैं, सपोज हम बोलेंगे एंटर ए नंबर, तो हमें ये चेक करना है। सपोज हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि चेक कर रहा है कि क्या ये नंबर 10 है या 10 से ज्यादा है या 10 से कम है, वेदर दिस नंबर इज 10 और लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10, ठीक है। सपोज हमें ये एक काम करना है, तो हमें कैसे करें, हम देखेंगे ऐसे, इफ नाम कंपेयर्स टू 10, अगर ये नंबर हमारे पास जो है ये 10 के बराबर है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, सपोज नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने ये लिखा, हम यहां पर फिर देखेंगे कहीं ये बड़ा भी हो सकता है ना, तो हम एल्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एल्स पे हम दो ही चीज कर सकते थे। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता था सपोज, तो यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता था प्रिंट एफ, नंबर नॉट इक्वल, ठीक है। तो दो कंडीशन इफ और एल्स में बनती थी मुझे, या तो ये बराबर अगर इक्वल टू कंपेयर्स टू 10 निकलता तो मैं लिखता इक्वल टू 10, या तो मैं लिखता एल्स पार्ट में कि ये बराबर नहीं है 10 के। लेकिन मेरा यहाँ जो काम है ये, मुझे ये भी नहीं देखना कि इक्वल है, ठीक है, या नहीं इक्वल है, मुझे ये भी देखना कि अगर इक्वल नहीं है तो क्या ये 10 से ज्यादा है या 10 से बड़ा है। तो सिंपल इफ एल्स मुझे वो काम नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे बता सकता है या बराबर है या बराबर नहीं है। लेकिन मेरा काम यहाँ पर एक और चेक भी करना है, अगर ये 10 के बराबर नहीं है, सपोज अगर ये 10 के बराबर है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर अब ये 10 के बराबर नहीं है, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये 10 से ज्यादा हो सकता है या तो 10 से कम हो सकता है। तो तभी मैं यहाँ पे एल्स इफ यूज करूंगा, मैं देखूंगा एक पार्ट इफ नम ग्रेटर देन 10, क्या अगर ये, क्या ये 10 से बड़ा है, तो मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन 10, ठीक है। लेकिन अगर अब ये 10 से बड़ा नहीं हुआ, छोटा हुआ, ठीक है, इसका मतलब अगर ये पोर्शन भी गलत है, ये पोर्शन भी गलत है, यानी ये दो फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है फिर, ये तो फिर सीधे कंडीशन आ गई, हमें एक ही कंडीशन बनती बचती है फिर। तो मेरे पास तीन कंडीशंस थी कि कोई भी यहाँ पे जो है स्कैन जब कराते हैं हम यूजर से, तो यूजर से हम एक नंबर मांगते हैं, चाहे वो 10 हो सकता है या 10 से कम हो सकता है या 10 से ज्यादा हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। हमें चेक करना है अगर क्या वो 10 इंटर है, अगर इसने 10 इंटर किया तो हम इसको बताए आपने 10 इंटर किया है, अगर इसने नंबर बढ़ा दिया है 10 से, तो हमें हम एल्स, खाली एल्स लिखने के बजाय एल्स इफ लिखते हैं। जब हम एल्स इफ लिखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन बन जाती है जिससे हम ये कंडीशन चेक करते हैं। तो एल्स इफ में हमने एक कंडीशन चेक की, क्या ये नंबर ग्रेटर देन 10 है, अगर ये ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब अगर ना ये 10 है ना ये ग्रेटर देन 10 है, तो हमें एक ही कंडीशन बच जाती है फिर लेस देन 10। तो यहाँ पर मैंने तीसरी कंडीशन जो सीधे लिखी, मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि जब दो कंडीशन फेल होती है कि इसके पास तो तीन ही कंडीशन है, या तो 10 हो सकता है या 10 से बड़ा हो सकता है या 10 से छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने खाली एक ही कंडीशन, तीसरी कंडीशन। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, सपोज वहां पर मुझे 10 कंडीशन हो, तो मैं 9 एल्स इफ लिख सकता हूँ और 10 में खाली एल्स लिख सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली एल्स इफ के दो ही लिख सकता हूँ, एक ही लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये इशू नहीं है। सपोज ऐसी कोई कंडीशन होगी कि जिसमें तीन से ज्यादा ऑप्शन होंगे,
तीन से ज्यादा ऑप्शंस हुए तो मैं यहाँ पर एक और else if भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर एक और कंडीशन होगी नहीं, या तो नंबर 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा या 10 से कम होगा। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एक नंबर हमें देना है, सपोज मैं पहले 10 ही दूंगा, तो ये इसने मुझे दिया यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम एक नंबर देते हैं सपोज 30 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब एक और बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हम सपोज 8 इंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसने तीसरी बार दिखाया नंबर इज लेस देन 10। तो इसका मतलब मेरी जो ये कंडीशन थी, यही कंडीशन में अगर इफ खाली इफ और एल्स में लिखता तो मुझे बहुत सारे कंडीशन लिखते थे। अगर यही प्रॉब्लम, यही वाली प्रॉब्लम सिंपल इफ और एल्स में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो हम देखेंगे वो कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हमें ये करना था कि लिखना था इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये करो, अगर एल्स तो मुझे इसका पार्ट ही नहीं बनता था, तो मैं एक और इफ लिखता यहां पर, इफ नंबर इज लेस देन 10, सपोज मैं लिखता प्रिंट एफ लेस देन, ठीक है। तो फिर यहां पर एल्स, एक और एल्स प्रिंट एफ ग्रेटर देन, तो मुझे ये वाला प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखना था। पहले एक इफ अलग, ये अलग था इफ था, फिर दूसरा एक और इफ एलस, ये अलग इफ एलस था, ठीक है। तो मुझे एक पहला इफ एलस इफ कंडीशन एक अलग, और उसके बाद इफ एलस कंडीशन दूसरी एक अलग। तो यहाँ पर ये सारे एक ही इफ, इस सारे को एक ही ब्लॉक बनाने को, ये जो इफ एलस पार्ट है वो एक अलग ही है। जैसे मैंने यहाँ पे एलस पार्ट लिखा है इसका एलस इफ, ठीक है। तो एलस इफ जब हम लिखते हैं तो ये इस पहले वाले इफ का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो एक यहाँ पर इस पे एक सिंपल ऑप्शन भी है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और इसको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर, ठीक है, इफ एल इफ लैडर भी हम इसे बोलते हैं। यानी जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो, या सपोज मैं देखूंगा ऐसे, अगर मैं इस नंबर को, इस नंबर मैं यहाँ पर इफ एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था वो प्रिंट एफ, मैं लिख सकता था ग्रेटर देन 20 सपोज कुछ भी एक मैसेज, ठीक है। अगर मेरे पास एक और कंडीशन भी हो, मुझे चेक करना हो कि ये नेगेटिव नहीं तो नहीं है, तो मैं लिखता एक और एल एस इफ नंबर इज लेस देन 0, तो मैं प्रिंट करता यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे ही करके मैं एलसिप इसमें बहुत सारे जितने में मेरे पास चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी दो एलसिप, पहले तो नंबर 10 तो नहीं है, ठीक है, तो इक्वल टू 10, अगर ये ग्रेटर देन 20 है तो ग्रेटर देन 20 होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी की एक सिंपल ऑप्शन जो है, सपोज एक स्टूडेंट की हम परसेंटेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से हम बोलेंगे कि क्या ये स्टूडेंट पास हो गया, ये फेल हो गया, और अगर ये पास है तो ये क्या फर्स्ट डिवीजन में पास है, ये क्या बी ग्रेड में पास है, या ये ए प्लस में पास है, या इसने डिस्टिंक्शन वगैरह लाई, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, सपोज हमारे पास एक परसेंटेज है, इंटीजर नंबर, एक परसेंटेज एक नंबर कोई दे रहा है, तो परसेंटेज ऑब्वियसली फ्रॉम 0 to 100 होती है, ना 0 से कम होती है ना 100 से ज्यादा होती है परसेंटेज, ठीक है। तो सपोज वी हैव गॉट अ परसेंटेज एंड दैट परसेंटेज इज फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, सपोज इट इज फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। अब हमें पता नहीं है 0 से 100 तक क्या आएगा, ठीक है, तो हम चेक करेंगे इफ दिस, हम इसका नाम अब सपोज अपने लिए परसेंट रखते हैं,
इसका नाम पर्सन रखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अपने लिए नाम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे वैलिड नाम, लेकिन पर्सन से हमें एज पर द नॉर्मल क्लचर इसका अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ये परसेंटेज पहले ही ग्रेटर देन 70, ग्रेटर और इक्वल टू है 75, अगर किसी की परसेंटेज 75 या 75 से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि जो है डिस्टिंक्शन है। ठीक है, या ए प्लस प्लस ग्रेड, ठीक है, हम ए बी सी डी ग्रेड उसमें लाएंगे। तो यहां पर हमने देखा एक सिंपल कंडीशन है हमारे पास कि अगर ये परसेंटाइल जो हमें मिली, ठीक है, चाहे हम ये कैलकुलेट करें चाहे हम ये यूजर से ले ले, ठीक है, फिलहाल हम यूजर से ले रहे हैं सिंपली, तो हमें परसेंटाइल जो मिली अगर वो 75 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा है या 75 है, इसका मतलब ए प्लस या ए प्लस ग्रेड इसको मिला है। ठीक है, एलिस इफ हम एक और कंसर्न भी देखेंगे, अगर ये परसेंट जो है, अगर ये ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल टू है 65 से एंड अब यहां पे मैं मिक्स कर रहा हूं, इस थोड़ा सा समझने की बात है, लेस देन 75, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर परसेंटेज है बिटवीन 65 टू 74, ठीक है, क्योंकि अगर अगर इसकी 65 है तो ये ए ग्रेड में चला जाएगा, अगर 74 तक है तो ए ग्रेड में, अगर जो ही ये 75 में चला जाएगा फिर ये ए प्लस ग्रेड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टिंक्शन मानी जाती है, तो हम वो उससे नीचे रख रहे हैं। तो 65 से ग्रेटर और इक्वल टू 65 उससे ज्यादा या कम, एंड में यहां पर एंड यूज कर रहा हूं, अब ये एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन का मतलब ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें है ट्रू आनी चाहिए, ये वाला भी ट्रू आना चाहिए और ये वाला भी ट्रू आना चाहिए। सपोज किसी की 65 से ज्यादा है, सपोज हम लिखेंगे 80 65 से ज्यादा है लेकिन वो 75 से कम नहीं है, क्योंकि वो 75 से कम नहीं है तो ये एंड ऑपरेशन हमें क्या करता है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, अगर दो में एक फॉल्स हुई तो ये फॉल्स बताता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वाली कंडीशन इसमें आएंगी नहीं, ठीक है, यानी इसमें जो कंडीशन आएंगी वो आएंगी बिटवीन 65 एंड 75, ठीक है, 65 इंक्लूड है क्योंकि मैंने इक्वल किया है, लेकिन यहाँ पे 75 से कम मैंने रखा है, यानी 65 से लेके 74 तक। तो हम इसको प्रिंट ऑफ करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि आपने जो ग्रेड लाया है आपने ए ग्रेड लाया है, ठीक है। एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर किसी की परसेंट डायल जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 50 है और एंड लेकिन वो लेस देन है 65, क्योंकि 65 तो हमें पता है वो तो ए ग्रेड है, ठीक है, तो हम सपोज इसको बी ग्रेड देंगे, तो हमने इसको बी ग्रेड दे दिया, तो हमारे पास ए प्लस ग्रेड आ गया, हमारे पास 65 से 74 तक ए ग्रेड आ गया और 50 से 65 तक हमें बी ग्रेड आ गया। सपोज हमें इतने ही ऑप्शन है, इससे कम जिसके भी आएंगे हम उसे फेल करा देते हैं। हम और भी इससे नीचे सपोज 40 तक रख सकते हैं, बी सी ग्रेड भी रख सकते हैं, सपोज इसके 40 से 50 तक है उसके सी ग्रेड भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है, हमारी कितनी कंडीशन हो। सपोज हमने यहां पर अब इतनी कंडीशन बनाई, तो हमने कितनी कंडीशन बनाई, पहली कंडीशन अगर 75 है या 75 से ज्यादा है तो क्या है, इसका ए प्लस ग्रेड है। अब अगर 65 है और यहाँ पे और भी है और एंड और 75 से कम है, यानी ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, यानी बिटवीन 65 टू 74, तो इसका ए ग्रेड है।
अब अगर किसी का 50 है या 65 से कम है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन 50 to 64, क्योंकि 74 तो हमारा ए ग्रेड है, तो इसका जो ग्रेड आएगा वो बी आएगा, ठीक है। अगर इनमें से कुछ नहीं है यानी 50 से कम है, तो हम इसको फिलहाल फेल करा देते हैं। हम और भी कंडीशन सी ग्रेड वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यही बना दिए, यही दो चार, ठीक है। इसको हम रन करेंगे, ये हमें इंटर परसेंटाइल बोलता है। सपोज हम कोई भी परसेंटाइल देंगे, हम 78 दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि ए प्लस ग्रेड है इसका, ए प्लस ग्रेड है, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं, इंटर परसेंटाइल सपोज 67 देंगे हम, तो ये हमें दिखा रहा है कि ए ग्रेड है इसका, ठीक है। हम एक और बार एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसका देते हैं सपोज 60, तो ये दिखा रहा है हमें कि इसका ग्रेड जो है वो बी है। और हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, सपोज हम इसका देते हैं 45, तो कि ये 50 से कम हमने फेल रखा है, तो हमें ये दिखा रहा है कि फेल है, ठीक है। या हम अगर सपोज 50 देंगे, तो ये हमें दिखाएगा बी ग्रेड है, क्योंकि हमने 50 को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, जहां पर हम एक नंबर ले रहे हैं, एक परसेंटेज ले रहे हैं बिटवीन 0 to 100, और हम उस यहाँ पर हम और भी सेक्शंस कर सकते थे, लेकिन इसको छोटा रख करने के लिए मैंने 3 ही सेक्शंस किए। एक वो पार्ट, अगर ये परसेंटेज 75 है, ग्रेटर और इक्वल, या ग्रेटर या इक्वल, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, पहले ग्रेटर लिखते हैं फिर इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इक्वल का मतलब ये 75 भी आ गया, और ग्रेटर का मतलब 75 से आगे जो भी होंगे वो भी वैल्यूज आ गए। फिर दूसरे में हमने लिखा एल्स, एक पार्ट हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया या ग्रेटर है या 65 से ग्रेटर है या इक्वल है, यानी 65 इंक्लूड है, और यहाँ पे परसेंटाइल लेस देन 75, यानी अब जब लेस देन आ गया, इसका मतलब 75 इंक्लूड नहीं है, ये 74 तक ही है, ठीक है। फिर इसमें फिर एक और एल्स पार्ट, यहाँ पर हमने ग्रेटर और इक्वल कर दिया, यानी 50 इंक्लूड है, लेकिन लेस देन 65, इसका मतलब 65 इंक्लूड नहीं है, 64 तक ही है, इसको बी ग्रेड। अब उसके बाद हमने सीधे एल्स लिखा, यानी 50 से कम जितने भी है उनको फेल करा दो। हम यहाँ पे एक और एल्स भी लिख सकते थे, सपोज हम यहाँ पे लिख सकते थे ग्रेटर आर इक्वल टू 40 एंड लेस देन, ऑब्वियसली लेस देन 50, तो उसको हम सी ग्रेड भी करा लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए एक कंडीशन है, जब भी हम जितने भी लिखने हो, यहाँ पर हम अपने कंडीशन के हिसाब से लेस देन 50 को फेल मान रहे हैं, ठीक है। तो एलिफ को हम बहुत सारे कंडीशन पे लिख सकते हैं, और अगर हम इसमें अच्छी बात क्या है कि असल में ये इफ पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट एल्स पे खत्म होता है। ये सारे जो हमने जितने भी इसमें लिखे, जैसे पहला इफ लिखा, फिर उसके बाद दूसरा लिखा, फिर उसके बाद एक तीसरा, और लास्ट में एल्स लिखा हमने, तो ये सारे के सारे जो है असल में इफ, इस इफ के पार्ट्स हैं। पहले इफ जो हमने पहला इफ स्टार्ट किया था, ये सारे इसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको एल्स इफ एल्स और इफ एल्स इफ 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 अलग अलग करके लिखें, तो वो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पर ध्यान हमें रहना होता है कि हर एक अपना अपना ब्लॉक है, उसको क्लोज करना होता है, और लास्ट हम एक ही एल्स लिखते हैं। उस एल्स से पहले जितने भी आएंगे वो एल्स नहीं होंगे, वो इफ एल्स, एल्स इफ होंगे, ठीक है, यानी एल्स के साथ एक कंडीशन होंगे।